Namaskaram students, and welcome back to my channel Shree BH Biology Tutorial. In this video I am going to explain one of the most important cycle of glucose oxidation, which is Krebs cycle. तो आज के इस वीडियो में क्रेब साइकिल के बारे में बात करते हैं और एक क्रेब साइकिल को एक ट्रिकी वे के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं. देखिए सबसे फर्स्ट क्रेब साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाई हेंस क्रेब्स इन 1937 और इसकी डिस्कवरी की थी क्रेब्स ने पिजन की फ्लाइट मसल्स के अंदर, इसलिए उनको 1953 के अंदर इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था. मोस्टली जो क्रेब साइकिल है वो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. एज यू नो दैट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटेड बाय थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड थर्ड वन इज क्रेब साइकिल. और जैसा आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, इससे बिगनिंग की जो प्रोसेस है, इट विल कम्प्लीट इन साइटोप्लाज्म इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स. सो इसके बाद में जो प्रोसेस आती है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्रेब साइकिल कम्प्लीट होता है. इन अ यूकैरियोटिक सेल क्रेब साइकिल विल कम्प्लीट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंप्राइजेस ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम विच आर मोस्टली नेसेसरी फॉर क्रेब साइकिल. तो क्रेब साइकिल की रिक्वायर्ड जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज SDH. लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दैट. तो इस तरीके से ये वाली सारी प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर. तो मोस्टली इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि बाकी सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन एक एंजाइम जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. इसलिए जो एंजाइम जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और वो एंजाइम मोस्टली क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको बोलते हैं हम SDH. तो SDH प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर SDH प्रेजेंट होता है. तो मोस्टली सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं पायरुविक एसिड. इन दिस प्रोसेस पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटोइल कोएंजाइम एंड द कन्वर्जेशन प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. इन दिस प्रोसेस CO2 विल रिलीज. तो आपको पता है कि पायरुविक एसिड के अंदर कितने होते हैं, तीन कार्बन होते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. अब हम बात करते हैं एक साइकिल एक पायरुविक एसिड कंप्लीट करेगा इस तरीके से. ये वाली एंटायर प्रोसेस दो साइकिल के अंदर कंप्लीट होगी, दो साइकिल इसके कंप्लीट होंगे एंटायरली. तो नेक्स्ट पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटोइल कोएंजाइम. तो एसिटोइल कोएंजाइम से जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें दो कार्बन होंगे, क्योंकि एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच नॉन एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेस. सो इसको स्टार्ट करते हैं. देखो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टर और कंपाउंड फॉर दिस प्रोसेस, बिकॉज ये वाली प्रोसेस तभी स्टार्ट होगी जब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहेगा. तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इसको प्रोसेस को बिगिन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ऑक्सिलो एसिटिक एसिड विल बाइंड विद एसिटोइल कोएंजाइम एंड कन्वर्ट इन टू सिट्रिक एसिड. सो टू कार्बन हियर एंड फोर कार्बन हियर, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन विल बी सिक्स कार्बन. फर्स्ट कंपाउंड विच हैज सिक्स कार्बन, सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल. ओके इन द डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोसेस लाइक सिट्रिक एसिड देर आर थ्री कार्बोक्साइल ग्रुप, सो दिस पाथवे इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसके अंदर तीन कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. अब इसको फॉर्मेशन करने के लिए, सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं हम सिंथेटेज. सिंथेटेज विल फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो इस तरीके से बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको मैं बताता हूँ. फर्स्ट सिट्रिक एसिड कन्वर्ट इंटू सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रेट ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड सक्सिनोइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड एंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड. तो इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से इनको आप याद कर सकते हो. ये ट्रिक है, ट्रिक एक सोशल की संडे को सक्सेसफुल मिली एग्जाम में.
As you know that your exam will conduct on 5th of May which is Sunday. तो संडे को जो एग्ज़ाम होनी है उसके अंदर इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आना है तो आपको सक्सेस 101% मिलेगी इफ़ यू विल लर्न दिस ट्रिक. तो देखो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ट्रिक एक ट्रिक हियर फॉर सिट्रिक एक फॉर सिस एकोनिटिक एसिड इन दिस वर्ड दिस बिगनिंग टू लेटर ए सी एकोनिटिक एसिड नेक्स्ट इज सोशियल हियर फॉर आइसोसिट्रेट एंड दीज फोर लेटर एस ओ सी आई आइसोसिट्रेट एंड ए एल सोशल में लास्ट ए एल ऑक्सिलो एस सक्सिनिक एसिड तो ये हो गया ए एल इसकी रिगार्डिंग सोशल के फोर हो गया अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड ओके देन संडे देखो संडे से रिलेटेड यहाँ पर ट्रिक जो बनाई है एस यू हियर फॉर टू लेटर ऑफ दिस वर्ड इज एस यू फॉर संडे एंड को फॉर कोएंजाइम तो संडे को सक्सेस ईयर फॉर सक्सिनिक एसिड फुल ईयर फॉर एफ यू बिगनिंग टू लेटर फॉर दिस वर्ड फ्यूमेरिक एसिड मिली फॉर मैलिक एसिड एंड एग्जाम दिस लेटर ऑफ एक्स ए फॉर ऑक्सेलो एसिटिक एसिड यू कैन ऑल्सो मेमोराइज दैट मैलिक एसिड आफ्टर दैट ऑक्सेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड आफ्टर दैट ऑक्सेलो एसिटिक एसिड सो इस प्रोसेस की फर्स्ट ट्रिक से हम मेमोराइज कर सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म इन दिस प्रोसेस ओके नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी विल लर्न द डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस सो आप देखते हैं इसके अंदर टोटल 10 प्रोसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7, 8, 9 और 10 टोटल 10 प्रोसेस हैं तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि कौन कौन से एंजाइम कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं देखो cci-ok-ss-fm-o ओके देन द सी फॉर सिट्रिक एसिड सी फॉर सिस एकोनिटिक एसिड आई फॉर आइसोसिट्रिक एसिड ओ फॉर ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड के फॉर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एस फॉर सक्सिनोइल कोएंजाइम एस फॉर सक्सिनिक एसिड F for fumaric acid, M for malic acid और O for oxaloacetic acid, ठीक है अब देखो मैंने इस प्रोसेस के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये देखो बिगिनिंग ये फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड कब बना था ये जब एसिटोल कोएंजाइम बाइंड हुआ था ऑक्सलोएसिटिक एसिड के साथ में ठीक है तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रोसेस ये वाली सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ नंबर प्रोसेस उसके बाद में ये प्रोसेस फिफ्थ ये प्रोसेस हो गई सिक्स ये सेवन और ये प्रोसेस हो गई 8 उसके बाद में ये 9 और ये वाली प्रोसेस हो गई 10 ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हो कि 4, 6, 8 और 10 यहाँ पर मैंने क्या दिया है स्पेस दिया है इसका मतलब ये 4, 6, 8 और 10 नंबर जो प्रोसेस है यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज का इन्वॉल्वमेंट होगा डीहाइड्रोजिनेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कैटेगरी ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कैटेगरी के अंदर इसको हम इंक्लूड करते हैं डिहाइड्रोजिनेज के अंदर इट विल कॉज डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन विल रिलीज फ्रॉम ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट विल बाइंड टू इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्टर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर के साथ जैसे ये बाइंड होगा तो ये क्या बनाएगा एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो एनर्जी बनाएगा इस तरीके से इन प्रोसेसेस के अंदर अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी प्रोसेस है देखो हम बात करते हैं पहले जब कन्वर्ट होता है इसको आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड ये कौन सी प्रोसेस है फोर्थ नंबर प्रोसेस देखो आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड इस फोर्थ नंबर प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम काम में आ रहा है उसको हमने क्या बोल दिया आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज IDH दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस नेक्स्ट इन द प्रोसेस नंबर सिक्स which is when alpha ketoglutarate convert into succinyl coenzyme alpha ketoglutarate convert into succinyl coenzyme in this process the enzyme which involved in this process which is alpha ketoglutarate dehydrogenase then we can say that KDH involved in this process next process number 8 in this process then succinic acid convert into fumaric acid then the enzyme involved in this process which is succinic acid dehydrogenase then we can say that SDH okay this is most important enzyme which present in membrane plasmo membrane in bacteria
and inner membrane in eukaryotic cell. Okay, next, malic acid convert into oxaloacetic acid. The process number 10, in this process the enzyme involved which is malic acid dehydrogenase MDH. Okay, then we can say that these four are most important enzymes which function as a dehydrogenase condition and it will cause dehydrogenation process. तो इस तरीके से इन्होंने डिहाइड्रोजिनेशन को कोज किया. इसके अलावा कुछ एग्जांपल, कुछ एंजाइम्स हैं जैसे इस प्रोसेस में एकोनिटेज है, इसमें सिंथेटेज है, इस प्रोसेसेस के अंदर आप याद रख सकते हो थायोकाइनेज है, इसमें फ्यूमरेज है. दीज आर नॉर्मल बट द मोस्ट एंजाइम्स हेयर विच डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन आस्क इन डिफरेंट एग्जाम. ओके, द नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. तो देखो प्रोसेस नंबर 4, 6 एंड 10, देन प्रोसेस 4, 6 एंड 10, इन दिस प्रोसेस NAD कन्वर्ट इनटू NADH2. ओके, देखो मैंने अभी बताया कि 4 और 6 और ये 10 वाली प्रोसेस, इसमें जब हाइड्रोजन रिलीज होंगे देन दिस हाइड्रोजन कैन बी एक्सेप्ट बाय दिस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल and then it convert into NADH2. It means it convert into reduced form. तो reduced form के अंदर आ गया NADH2 condition के अंदर and the form of assimilatory power. देखो next है process number 7. अभी जो 7th number process है जिसमें succinic acid coenzyme convert हो रहा है succinic acid, इसमें भी क्या आ रहा है GTP, किस में convert होगा GTP में, in the presence of inorganic phosphate. तो ये GTP बनेगी. अगर प्लांट के अंदर क्रेब साइकिल ऑपरेट हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा ATP आएगा, बट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ GTP एंड ATP. नेक्स्ट इज प्रोसेस नंबर 8. इन द प्रोसेस नंबर 8 व्हेन सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड देन FAD कन्वर्ट इनटू FADS2. इट मीन्स रिड्यूस फॉर्म प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ FADS2. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रोसेस नंबर 4, 6, 10, 7 एंड 8 दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. अब इस तरीके से जो जितनी एनर्जी मिलती है अपन को क्रेब साइकिल में उसको हम काउंट करते हैं. देखो अभी बिगिनिंग में ऐसा मैंने बताया आपको कि एसिटोइल कोएंजाइम, दो एसिटोइल कोएंजाइम बनते हैं. ये वाली जो सारी प्रोसेस चल रही है एक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, तो दो अगर एसिटोइल कोएंजाइम दो साइकिल को कंप्लीट करेंगे तो एनर्जी क्या बनेगी, जस्ट डबल बनेगी. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रोसेस नंबर 4, 6, 10 टोटल कितनी NADH2 बन गई, 3 NADH2. यहाँ पर कितने बन गए, एक बन गया अपने पास GTP और एक बन गया यहाँ पर FADH2. ठीक है, तो टोटल अब इसकी एनर्जी काउंट करते हैं. देखो 3 NADH2 मतलब 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, तो टोटल यहाँ पर कितने बन गई, 9 ATP का प्रोडक्शन हुआ. 1 GTP is equal to ATP, then 1 into 1 यहाँ पर मैंने कर दिया, ये हो गया 1 और ये हो गया FADS2 से कितनी बनेगी, 2 ATP, तो टोटल 1 into ये हो गया बेसिकली 2 बनेगी, तो ये हो गया 1 into ये हो गया 2, तो टोटल हो गए 2. ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हो गई 12 ATP. अगर एक साइकिल कंप्लीट होता है तो कितनी ATP बनेगी, 12 ATP. तो अपन को पता है कि एसिटोइल कोएंजाइम, दो एसिटोइल कोएंजाइम बनते हैं, तो अगर दोनों साइकिल कंप्लीट होंगे तो टोटल बन जाएंगे अपने पास 24 ATP. 24 ATP मीन्स अपने पास टोटल बनेंगे 6 NADH2, 2 GTP एंड 2 FADH2. इस तरीके से टोटल मिलेंगे अपन को 24 ATP. तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस के अंदर आने वाले मोस्ट एंजाइम्स और मोस्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को याद कर सकते हो.